बड़ा ही खुशी का दिन है, बड़ा ही चैलेंजिंग का दिन है और अपने आप को बदलने का दिन है। आज हमारे बीच हमारे अपने आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत जी पाल जी साहब, आदरणीय रोहित जी मानपाणी साहब, मेरी बहन शालिनी बजाज, जेबी काबरा साहब, श्री किशन प्रसाद जी दरक साहब और हमारे महासभा की भूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय शोभा जी साधारी, आज जो दिन है ये दिन हम अपने जीवन को बदल कैसे सकते हैं। देखो यहां मेरे छोटे छोटे बच्चे मातृशक्ति, मेरी हमेशा एक सोच रही है कि हम अपने जीवन को बदले कैसे, हम अपने आप को पहचाने कैसे। हमें प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए मौका कैसे मिले, इसके लिए आज का ये आयोजन, आज की जो सेमिनार मुख्य रूप से रखी गई। इस सेमिनार में हमें अलग अलग रूप से अलग अलग हमारे आईएएस आईपीएस हमारे मोटिवेशनल स्पीकर आप सबको संबोधित करेंगे। मैं आज कोई भाषण देने के मूड में नहीं हूं, हमें सबको सुनना है। और मैं जो मेरे युवा छात्र छात्राएं, मेरे बहन भाई जो यहां बैठे हैं, उनको अपने आप को पहचानना है कि हम जा कहां तक सकते हैं और उसके लिए हमारा रास्ता कौन सा हो। मैं सबसे पहले तो हमारे पवन जी सोमानी जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले 2 महीने से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में अपना पूरा योगदान दिया। इसी के साथ में हमारे भूतपूर्व महामंत्री किशन जी मोहला जो दिन रात इस कार्यक्रम में लगे रहे, और मोहला जी एक सपना जो आप देख रहे हो, शायद आने वाले 5 साल के बाद में ये आपका सपना साकार होगा और बीकानेर से प्रशासनिक सेवा में कोई कोई जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। किशन जी का कंधे से कंधा साथ मिला करके पूरे समय में किशन जी का जो योगदान जिन्होंने दिया, भाई नरेंद्र सिंह राठी इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। पिछले 2 महीने से ये व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को करने में लगे हुए। मेरे भाइयों और बहनों, हमें जीवन को किस ओर मोड़ना है, मैं 2-3-4 बातें आप लोगों से करूंगा। उन 4 बातों से शायद आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि हम जीवन को कितनी सरलता से मोड़ सकते हैं। यहां जो बैठे हैं, जो भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में एक बात जरूर होगी कि हम भी कहीं कहीं रूप में कहीं कहीं जाकर के हमें भी पैसे की प्राप्ति हो। बेटा, पैसे के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, यह मैं गारंटी से कह सकता हूं। पढ़ाई की आवश्यकता है जीवन को बदलने के लिए, पढ़ाई की आवश्यकता है समाज को बदलने के लिए, पढ़ाई की आवश्यकता है हम इस संसार में कुछ नया कर सके। पढ़ाई के साथ साथ में यदि हमारे मन में भला करने की इच्छा हो, एलईडी का नाम कट रहा है, और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जान भी होता हूं, यदि आपके मन में भला करने की इच्छा है तो लाभ आपको अपने आप मिलेगा, नहीं है तो आप भला का उल्टा करके देखें। हमारे मन में प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम जब यहां से निकलेंगे तो आज के बाद किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली भला होगा, और भला होगा तो बस लाभ होगा, और लाभ होगा तो आप आगे समझ सकते हैं। दूसरी बात, भगवान ने हमें ये जीवन दिया, इस जीवन में सबसे छोटी आंख थी, यदि हमारी आंख, मैं किसी भी बहन भाई को पूछूं, बेटा खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, क्या नाम है तेरा,
शिवम तेरी आंखें कहां तक देख सकती है, बताओ कहां तक देख सकती है? जो अभी सामने देख रहा, इसके बाहर निकलोगे तब कहां तक दिखेगा? कितनी दूर तक? मैं पूछ रहा हूं कितनी दूर तक? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, बहुत आगे तक? 500-600 मीटर। 500-600 मीटर। बेटा अभी हमारा जो ये बौद्धिक विकास है सही नहीं हुआ, बैठो, इसको बुरा मत मानना। हमारी आंखें भगवान ने सबसे छोटी बनाई जो अनंत तक देख सकती है। हम सूर्य को देखते हैं नहीं देखते हैं? सूर्य हमें देख रहा है, हम सूर्य को देख रहे हैं? हम सूर्य को देख रहे हैं। इसका मतलब भगवान ने सबसे छोटी आंख बनाई और वो अनंत तक देख सकती है। क्या हम अनंत तक जाने की इच्छा नहीं रख सकते? हमारे हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, और यदि हमारे हौसलों में उड़ान है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, ये बीकानेर संस्कार और संस्कृति की धरोहर है। पढ़ाई के साथ साथ हम अपने जीवन में संस्कारों से, संस्कृति से कैसे ओतप्रोत रहे, ये हमारी युवा पीढ़ी को सीखना होगा। युवा पीढ़ी को सीखना होगा। मैं आज देखता हूं, कहीं भी जाता हूं बाजी साहब, जब मैं कहीं युवाओं में जाता हूं तो परिवार वाले ये कहते हैं, बाबूलाल जी थोड़ा सा इनको समझाओ ना। आज की जो युवा पीढ़ी है 2-5-10% तो वास्तव में पढ़ने में लगी हुई है, बाकी 15-25 साल के बच्चे आजकल मोबाइल और दूसरा जुआ और सट्टा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात आपको गारंटी से कह सकता हूं कि यदि इसकी आपको लत लग गई, आप दुनिया में कहीं टिक नहीं पाओगे। हमें यहां से संकल्प लेकर जाना होगा, हम पढ़ाई करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, हम समाज की सेवा करेंगे, बाकी जहां संभव हो वहां मोबाइल का उपयोग करेंगे, लेकिन जीवन में सट्टा या जुआ कभी नहीं करेंगे। ये आपको संकल्प लेकर के जाना हो। तीसरा संकल्प, हम अपने जीवन में बताओ सकारात्मक सोच अच्छी है या नकारात्मक सोच अच्छी है? ये शायद किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि सकारात्मक सोच अच्छी है, पॉजिटिव सोच अच्छी है, फिर भी हम इससे ज्यादा विपरीत, हम उल्टा चलते हैं नेगेटिव सोच में, जो अच्छी नहीं है हम जानते हैं फिर भी चलते हैं। हमारे रास्ते की एक बहुत बड़ी बाधा है वो नेगेटिव सोच है, हमें इसे उबरना होगा। हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है, हम जीवन में एक प्रण ले लें कि हमारे आसपास का एनवायरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं रहे, और नेगेटिव जब नहीं रहेगा तो हमारा एनवायरमेंट क्या होगा? सकारात्मक। और एनवायरमेंट सकारात्मक होगा तो आप जो चाहोगे वो आपके कदमों में होगा। मैं आज हम जिनको सुनने जा रहे हैं, जिनके लिए ये सभा सजाई है, कहने को बड़ा मन होता है, और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, युवा चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, और युवा को उल्टा करो तो क्या होता है? वायु, वायु को दुनिया की कोई ताकत पकड़ सकती है क्या? और वायु मूड बना ले तो दुनिया को बदल सकती है। आप लोग युवा हो, यदि आप अपना मूड बना लो और वो मूड सकारात्मक बना लो तो आप दुनिया को बदल सकते हो। मैं दोबारा जो अतिथि हमारे बीच पधारे हैं, मैं बीकानेर की धरा पे उत्तरी राजस्थान की ओर से, बीकानेर की ओर से, मैं अपनी ओर से उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद बाबूलाल जी।